नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है जयप्रकाश पावर वेंचर्स, मतलब कि हम बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। इस शेयर को हम लगातार कवर कर रहे हैं, इसमें कोई भी अपडेट या कोई भी न्यूज निकल के आती है या जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है तो हमने आपको हर एक न्यूज को हर एक इंपॉर्टेंट लेवल को अब तक पहुंचाया है। इस शेयर में अभी जो हाल देखने को मिल रहा था, काफी दिनों से जो है इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था और हमने आपको बहुत अच्छा लेवल दिया था बाइंग करने के लिए कि आप इस लेवल पर बाई करके अपना टारगेट जो हमने आपको दिए थे वो सारे टारगेट जो है हमारे हिट हो चुके हैं और इसमें अभी भी तेजी देखने को मिल रही है। और हम जो जिसका लास्ट ट्रेडिंग हो जाता है, मतलब कि कल का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा इसमें धमाका किया और तगड़ी जो है इसमें तेजी देखने को मिली है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो ये इसमें तेजी जो आई है क्या ये बरकरार रहने वाली है या इसमें फिर से जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, ये शेयर फिर से नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है। और मैं आपको एक ऐसा डेटा दिखाऊंगा जिसके देख के आपको होश उड़ेंगे कि क्या इसमें इतना भयंकर जो है बाइंग हुई है, इतना तगड़ा वॉल्यूम इसमें बढ़ा है तो क्या उसका इफेक्ट इस पर पड़ेगा या दोबारा से गिरावट देखने को उसमें मिल सकती है। इसके आगे के क्या लेवल है, क्या आगे के टारगेट है, फ्यूचर का इसका कैसा क्या परस्पेक्टिव है, ये सब बातें करेंगे इस वीडियो में। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। और साथ ही साथ जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आगे जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको जो है फ्री में इंट्राडे की ट्रेड बीटीएसटी स्टॉक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के जो सबसे अच्छे स्टॉक होते हैं ये सारी सुविधा जो हम आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना है। आप देख सकते हैं पर डे हमने आपको इंट्राडे की ट्रेड दी है, इसके अलावा देखिए सारे के सारे हमारे टारगेट हिट भी होते हैं, लोग काफी अच्छा पैसा बना रहे हैं ट्रेडर को लेकर। तो अगर आप भी इसी प्रकार से पैसा बनाना चाहते हैं तो ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, किसी भी प्रकार का आपको चार्ज नहीं देना है ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा जो है हमने आपको पेन स्टॉक की एक लिस्ट भी दे रखी है, उसको जाकर भी आप चेक कर लीजिए ग्रुप में, और लॉन्ग टर्म की एक लिस्ट है उसको जाकर चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा सेक्टर वाइज भी काफी अच्छी तरीके से एनालाइज करके हमने बहुत अच्छा डेटा आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म या पेनी स्टॉक में तो जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जेपी पावर में कैसे क्या ट्रेड रही। तो आप देखें इसमें कल के दिन फ्राइडे को ऑलमोस्ट 20% के आसपास का जो है ऑलमोस्ट 19.54% अपर सर्किट देखने को मिला है। देखिए इसमें ओपनिंग जो हुई थी ऑलमोस्ट 4.45 रुपये पर, इसके बाद इसने देखिए ये गिरा, लो बनाया 4.45 रुपये का और उसके बाद से देखिए लगातार तेजी पे तेजी पकड़ते हुए 5.20 रुपये पर जो है कल के दिन इसमें क्लोजिंग हुई है और ऑलमोस्ट 85 पैसे की जो है इसमें तेजी देखने मिली है। और इसमें तेजी का रीजन एक क्या है, क्योंकि इसकी जो लिमिट थी मतलब अपर सर्किट लिमिट जो होती है ऑलमोस्ट 20% के आसपास की कर दी गई है कि इसमें अब जो है ऑलमोस्ट 20% का अपर सर्किट लग सकता है, जो पहले 5% था तो इसमें सर्किट लिमिट भी बढ़ा दी गई, इसलिए लोगों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा जगह है जयप्रकाश पावर वेंचर्स में। अगर बात करें वन वीक की, वन वीक में कैसे क्या रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं तो आप देखें ऑलमोस्ट 90 पैसे की तेजी, 20.93% के आसपास के जो है रिटर्न्स इसमें एक हफ्ते में देखने मिले, जिसमें से कल के दिन ही ऑलमोस्ट 19.5% रिटर्न्स मिल गए थे, मतलब कि आपका बहुत तगड़ा एक दिन में पैसा इस कंपनी से बन गया। वन मंथ की बात करें तो वन मंथ में ऑलमोस्ट 28.40% इसकी रिटर्न्स हैं, 1.15 रुपये की जो है इसमें तेजी देखने को मिल रही थी, कितना हैवी कंसोलिडेशन देखने को मिला है। और हैवी कंसोलिडेशन बात क्या किया, एकदम से बड़ा ब्रेकआउट दिया और सारे रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए। अगर बात किया कि क्यों इतना भयंकर इसमें तेजी देखने को मिली है तो देखिए अगर आप 7 अक्टूबर को अगर देखें इनका वॉल्यूम और 6 अक्टूबर को, तो देखिए लगातार इनका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, मतलब कि बायर जो थे इसमें आ रहे थे धीमे धीमे करके। और देखिए अपना 7 अक्टूबर को देखिए इसका ऑलमोस्ट एनएससी का डेटा 8,48,05,393 शेयरों की जो है जो डिलीवरी रह गई थी और शेयर की क्वांटिटी थी 13,62,031 शेयरों की जो है ट्रेड हुई थी। और अगर देखें हम कल का डेटा तो कल देखें ऑलमोस्ट ये जो डेटा था अपना कितना हो गया 25,10,06,497 और ऑलमोस्ट 40% शेयरों की जो है डिलीवरी उठाई गई, मतलब कि 10 करोड़ शेयरों की जो है डिलीवरी उठाई गई है इसमें, मतलब कि बहुत तगड़ा तरीके से बाइंग की गई है। किसी बड़े खिलाड़ी ने भी जो है इसमें बड़ी एंट्री ली है, कोई बड़े जो है बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो जो है फिर से इस शेयर में आ चुके हैं, मतलब कि ऑपरेटर जो है इसमें फिर से अपनी एंट्री ले चुके हैं। इस डेटा को आप खुद समझ रहा हूँ कि कोई आम आदमी तो जो है इसमें इतनी तगड़ी बाइंग नहीं कर सकता, किसी ने बड़ी बाइंग की तभी जाके इतना तगड़ा इसमें अपर सर्किट देखने को मिला है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है फायदा उठाया है ऑपरेटर ने और रिटेलर्स का भी इस बीच काफ़ी अच्छा पैसा बना है, जिन लोगों ने मतलब हमारे लेवल पर बाइंग की होगी तो तगड़ा उन्होंने पैसा बनाया है। तो हम चलते हैं अपने लेवल्स की तरफ कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है आगे आने वाले समय के लिए। तो आपको याद होगा हमने आपको जो है बाइंग कराई थी कहाँ पर, 3.40 रुपये पर यहाँ पर बाइंग कराई थी, सबसे नीचे बाइंग कराने के बाद क्या बोला था हमने आपको, ये 3.95 रुपये तक पहुंचेगा, देखिए 3.95 रुपये पहुंचा और तेजी आई 4.20 रुपये तक ही पहुंच गया था। और इसके बाद हल्के हल्की गिरावट के साथ कंसोलिडेशन हुआ, इसमें कंसोलिडेशन के बाद मैंने बोला था कि ये 3.95 रुपये पर जो है अब सस्टेन कर चुका है तो इसमें जो है फिर से तेजी आपको देखने को मिल सकती है। फिर देखिए तेजी आई और ये 4.20 रुपये के लेवल को तोड़ के 4.60 रुपये का जो हमारा टारगेट नंबर 2 था
उसके पास पहुंचा और उसके बाद इसने लिया रेजिस्टेंस, जो काफी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस था। पहले भी इसने क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुका था, इसलिए हमने आपको काफी तगड़ा ये रेजिस्टेंस बोला था कि इसके बाद इसमें फिर से गिरावट देखने मिलेगी। और देखिए गिरावट आई और जो है 4 रुपए 20 पैसे बजा जाके ये जो अपना शेयर था सस्टेन कर गया। इसमें जो है काफी दिन इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लिया, मैंने बोला कि अब इस पर काफी तगड़ा सपोर्ट ले चुका है, तो इसी लेवल से जो है ये तेजी फिर से पकड़ने वाला है। और देखिए अगर आपने फिर से यहाँ पे 4 रुपए 20 पैसे पर अपनी बाइंग की होगी तो कितना तगड़ा एक दिन में सीधे 20% रिटर्न आपको मिले हैं यहाँ पर बाइंग करने के बाद। ताकि आपने अगर 4 रुपए 20 पैसे पर बाइंग की होगी तो आपका जो है काफी तगड़ा पैसा बना होगा, क्योंकि 4 रुपए 60 पैसे के लेवल को तोड़ के ऊपर आ चुका है। हमने आपको एक 5 रुपए का टारगेट दिया था, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि जब ये तेजी पकड़ेगा तो 4 रुपए 60 पैसे का लेवल टूटने के बाद ये 5 रुपए का लेवल के आसपास पहुंच जाएगा। और देखिए 5 रुपए 20 पैसे पर जो है ये पहुंच चुका है। तो उसका नेक्स्ट टारगेट जो रहने वाला है, अगर ये लेवल टूटेगा जो उसका काफी अच्छा जो है ये सपोर्ट है, ये आपका जो लोग जो लेवल है 5 रुपए 15 पैसे के आसपास का, 5 रुपए 10 पैसे के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट पहले रहा था, तो अगर ये लेवल टूटेगा जिसकी संभावना काफी ज्यादा है कि टूट जाएगा क्योंकि काफी तगड़ी जो है इसमें बाइंग चल रही, लोग काफी फिर से उत्साहित हो चुके हैं, तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो आराम से 5 रुपए 45 पैसे और उसके बाद 6 रुपए 30 पैसे जो आपका टारगेट नंबर 2 है, अब ये आराम से अचीव होने वाले। मैंने आपको बोला था कि आप इसमें सबर कीजिए, पेशेंस रखिए, अगर आपका लॉस हो गया है घबराइए बिल्कुल भी, भाई बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कंपनी में कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, कंपनी फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग हो रही है धीमे धीमे, और कंपनी ने काफी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट किया था क्वार्टर अपना 1 में, और इसके अलावा Q4 का जो मॉडल वाला क्वार्टर था काफी अच्छा, उसमें उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया था, मतलब कंपनी प्रॉफिट में है। पहले का जो पास्ट हुआ उसका तो भूल जाइए, 2 क्वार्टर उन्होंने काफी अच्छे जनरेट किए हैं, अगर ये Q2 जो आ रहा है उसमें भी अच्छा खासा जो है प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं तो बहुत अच्छा इनका भविष्य होने वाला है, कंपनी बहुत तगड़ी जाने वाली है ऊपर, क्योंकि जो जेपी ग्रुप है ओवरऑल लॉस में चल रहा है लेकिन जेपी पावर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है इन ग्रुप में से, काफ़ी तगड़ा इनकी अभी तक जो है परफॉर्मेंस रही है और लगातार कंपनी ग्रो कर रही है। पावर सेक्टर आपको पता है कि बहुत अच्छे मोड़ पर आ चुका है, पावर सेक्टर लगातार बहुत तेज ग्रो कर रहा है और जो है पावर सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उसमें काफी कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है, इससे जेपी पावर भी काफी महत्वपूर्ण आपके लिए कंपनी रह सकती है भविष्य के लिए। मैंने आपको 3 रुपए 40 पैसे पर इसलिए बोला था बाइंग करने के लिए कि आप जो है 1 रुपए के आसपास का एसएल लेते हुए इसमें बाइंग कर सकते हैं, तो अगर आपका लॉस होगा तो 1 रुपए का होगा लेकिन फायदा होगा तो कितना तगड़ा होगा। देखिए 3 रुपए 40 पैसे से ये 5 रुपए 20 पैसे पर पहुंच चुका है, मतलब कि तगड़ा आपको इससे रिटर्न्स ऑलरेडी जो है बन चुके हैं, बहुत अच्छा आपने पैसा बनाया होगा अगर आपने 3 रुपए 40 पैसे पर बाइंग की होगी। तो आपका नेक्स्ट टारगेट जो है वो आपका 6 रुपए 30 पैसे का है, अगर ये लेवल टूटेगा 5 रुपए 45 पैसे का जिसके टूटने की संभावना काफी ज्यादा है, तो आपका ये रहेगा टारगेट नंबर 2। टारगेट नंबर 1 5 रुपए 45 पैसे, और आपका जो है अगर फ्रेश बाइंग करना है तो फ्रेश बाइंग के लिए अगर देखा जाए तो इसमें काफी अभी RSI अपना रेंज में चल रहा है, अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो बाइंग अभी भी आप कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में जाए। और आपका SL जो रहेगा अभी वो रहेगा 4 रुपए 20 पैसे का, ठीक है 4 रुपए 20 अगर अभी आपको बाइंग करना है तो आपका SL कौन सा है 4 रुपए 20 पैसे का, और लॉन्ग टर्म में आप इसमें जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म में काफी तगड़ा पैसा बनेगा और आप 1 रुपए के नीचे के आसपास का SL लीजिए, मैं तो बोलूंगा 4 रुपए 20 पैसे के आसपास के और 1 रुपए नीचे लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो, और SL हिट भी हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसमें अगर पेशेंस रखेंगे तो आपका जितना भी लॉस होगा तो आराम से रिकवर हो जाएगा क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छा तरीके से ग्रो कर रही है। आपके लेवल कौन से हैं बाइंग अभी भी आप कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं तो इसमें आप थोड़ा सा और होल्ड कीजिए, आराम से जो है इसमें थोड़ा सा आप अभी बने रह सकते हैं, तेजी इसमें और भी देखने को आपको मिलेगी। तो दोस्तों यहीं तक थी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आकर जुड़ सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड।